विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी निर्माण कार्यों को प्रारंभ कराएं और साथ ही उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कार्य करें, क्योंकि विकास आरंभ होने से ही मंडल में आए प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। मंडलायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं आदि उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए स्मार्ट सैंपलिंग की जाए, कोरोना का सैंपल लेते समय विशेष सावधानी बरती जाए और सही तरह से सैंपलिंग की जाए। उन्होंने चारों जनपदों के सीएमओ को निर्देश दिया कि सैंपलिंग और इसकी रिपोर्टिंग में विशेष ध्यान दिया जाए और जिलाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क में रहकर कार्य किया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि मंडल में बृहद वृक्षारोपण अभियान में 1,07,14,010 का लक्ष्य है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि वृक्षारोपण में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों, कक्षा 6 एवं उच्च कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों द्वारा तथा समस्त राजकीय विभाग, सामाजिक संस्थाओं, नौजवान व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंक लोगों को मुद्रा लोन अधिक से अधिक उपलब्ध कराए तथा सेवा योजना विभाग द्वारा सेवा मित्र ऐप पर श्रमिकों का पंजीकरण भी अधिक से अधिक कराए। मंडलायुक्त ने नगर निगम को निर्देश दिया कि नाले नालियों की सफाई करा दे ताकि जल जमाव की स्थिति न आने पाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित चारों जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, अपर आयुक्त प्रशासन सहित मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय कमिश्नर साहब, हमारे जिलाधिकारी महोदय चारों जनपदों से और हमारे साहब, मैं आप सभी का आज सुबह इस बहुत ही बात शुरू होने वाले समीक्षा बैठक में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमने कोविड-19 पे एक समीक्षा बैठक यहाँ पे रखी है, जिसमें हो रहे हैं और जो कुछ गैप्स हैं आपके जो पोर्टल में डालने में और कहीं कहीं त्रुटियाँ हैं, इन सब की हम समीक्षा करेंगे, कार्यों की समीक्षा करेंगे। आप लोगों ने अभी तक काफ़ी हरी जो माध्यम से जो हमने प्रयास किया है, काफ़ी केसेस जो हमारे सफलता मिली है कंट्रोल करने में प्रोग्राम को, और इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आपको सीनियर टीम लीडर, हम लोग कुछ बिंदुओं पे स्ट्रेस करना चाहेंगे और आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि इसी बिंदुओं पे जो मैसेज दिया जाए तो जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फील्ड पे इम्प्लीमेंट हो। तो इसीलिए हेडिंग भी उसी प्रकार है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैम्पलिंग कैसे सैम्पलिंग करना है, कहाँ हम लोगों का दिक्कत हो रहा है, माइग्रेंट का स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या हमारे डाटा एंट्री इशूज है पोर्टल पे, एमएमयू पे क्या इशू है, सारी सर्जरी हो रही है, क्या करनी, इन वीडियो में हम लोग का जो प्रेजेंटेशन होगा और इसी पे ही हम लोग आगे जाकर अपने जिला में फोकस करेंगे। तो आज के डेट में हमारे चारे जनपदों में 168 केस है और आप लोग देखेंगे तो डिस्चार्ज रेट सारे जिलों में बहुत अच्छी बात है कि 50% से ऊपर है, कुछ ने 48% दिखा रहा है, लेकिन इनके लास्ट पार्ट में केस इंक्लूड हुए हैं तो फिर जैसे और 5-6 दिन बाद दिखेगा ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 60% आ जाएगा। तो डिस्चार्ज रेट में कहीं हम लोगों का कोई इशू नहीं है और देख रहे हैं कि कहाँ हमारे पेशेंट हैं, देवरिया में 38 जो केस है, सेंट्रल एकेडमिक स्कूल में है और गोरखपुर का 30 रेलवे में है, बीआरटी में 32 है जिसमें गोरखपुर के 25 है, देवरिया महाराजगंज के 3 और कुशीनगर के 1, गोरखपुर के 2% केजरे में, लखनऊ में और एसजीपीजीआई में है, कुशीनगर में उसी तरह 27% अभी एक्टिव है, 2% है जो बिहार के हैं लेकिन उनका सैंपलिंग जो है कुशीनगर में है वहाँ तक वही कुशीनगर में दिख रहा है। महाराजगंज से 36% जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरोना में है वहीं पर है। यदि हम डिस्चार्ज रेट देखें तो समय इस कमिश्नरी का 18 कमिश्नरी डिस्चार्ज रेट काफ़ी कुशीनगर सरकार ने बुकिंग की केसेस रेट अधिक से एवं कुशीनगर का इनके केसेस ये है कि रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, आप कोविड केयर फैसिलिटी में कैसे सोचते हैं। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ बीआरडी में 7वें और 8वें दिन प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया
और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डाइट जो है वो डाइट चार्ट बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो हो, शौचालय की व्यवस्था और चद्दर बदलना जो भी चीज़ें हैं वो ठीक से हो जाए, और जो डॉक्टर्स हैं वो मोबाइल से या ग्लास के पीछे से ना करके पेशेंट के पास जाके किसी के डी गई जाके इतना उनका हलचल ले लें, इससे उनका एक साइकोलॉजिकल एक मनोबल बढ़ता है। ये जो दो तीन चीज़ें हैं जिनका बारंबार जोर दिया गया है उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज से सीधा संबंध है। आप लोगों के प्रयासों की वजह से डीएम्स खुद कोविड केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं, उसकी वजह से रेट ऑफ डिस्चार्ज वन ऑफ द बेस्ट हमारा कमिश्नर सारी कमिश्नरी में है। और इसमें एक दिन और मैं ऐड करूँगा जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, मेरी फ्लाइट में शायद नहीं आया, किसी का सैंपल लेने से पहले सपोज कोई पॉजिटिव आया आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, आपने 10 लोग एक पॉजिटिव के पीछे ढूंढा, अब उस 10 लोगों को आप आइसोलेट करते हैं जिसे आप मेडिकल क्वारंटाइन कहते हैं, जगह पर आपने चारों जिलों में अलग अलग जगह रखी हुई है। मेडिकल क्वारंटाइन में कभी कभी आपको ज़्यादा दिन तक पेशेंट को या संदिग्ध को रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वायरस लोड की भी बात होती है, आपको लगता है कि हम 5 दिन बाद इसको टेस्ट करें जब वायरस लोड हो जाए, क्योंकि इमीडिएटली करने से हो सकता है आरटीपीसीआर उसको डिटेक्ट ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन वायरस लोड का समय और बीआरडी में भी माइक्रो इसमें हम डिस्कस करेंगे लैब पर, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब में प्रेशर ज़्यादा है, कभी कभी 4 से 5 दिन लग जाता है सैंपल टेस्ट। सो रफली मेडिकल क्वारंटाइन में भी किसी संदिग्ध को हम 10 से 11 दिन लग जाए, और इसलिए कृपा करके जिलाधिकारीगण और सीएमओगण इसको देख लें कि मेडिकल क्वारंटाइन की भी सुविधाएँ खाने की शौचालय की और जो भी और ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि वहाँ पर संदिग्ध भी हैं और पॉजिटिव जो पोटेंशियल पॉजिटिव है वो भी है, तो वहाँ पर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई संदिग्ध जो निगेटिव था बिकॉज आपने मेडिकल क्वारंटाइन में ध्यान नहीं रखना वो पॉजिटिव हो गया। सो ये एस्पेक्ट है जिस पर मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा। जहाँ तक कोविड केयर फैसिलिटी की बात है, लगभग 5,000 बेड हमने ऑलरेडी नोटिफाई कराए हैं लगभग। इसमें मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आपको अपने रेट ऑफ पॉजिटिविटी पता है, उस क्रम में जिलाधिकारीगण इसको तैयार करते जाएँ, लेकिन किसी भी हालत में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई आउटब्रेक या क्लस्टर निकल सकता है और हमें परेशानी हो सकती है। तो 24 से 48 घंटे में हम अपनी फैसिलिटी तैयार करने में सक्षम हों, इस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए। जहाँ तक सैंपल वाले पर आप आगे सैंपलिंग डिटेल्स ऑफ सैंपलिंग वाली स्लाइड लगा दी। अब सैंपलिंग यदि आप देखें तो लगभग हमने 15,000 सैंपल टेस्ट किए हैं पूरे मंडल में। एक समय वो था 1 से 1.5 महीने पहले जब हम 20 सैंपल के लिए सीएमओ को रिक्वेस्ट करते थे, और आज लगभग सीएमओ 150 से 200 के बीच में भेज रहे हैं। सो टेस्टिंग एबिलिटी जो है रैंप अप हुई है, पहले आरएमआरसी से हमने शुरू किया, आज बीआरडी भी कर रही है, आपको चारों जनपदों में ट्रूनेट होगी। इसमें मेरे 2-3 बिंदु ये रहेंगे, एक तो ट्रूनेट मशीन मुझे लगता है 14 से 16 टेस्ट कर सकती है 24 घंटे में, राउंड द क्लॉक आपको रन करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट आपकी हाई क्वालिटी या जो पेशेंट आपको लगता है पॉजिटिव से निगेटिव हो गया है 12 दिन का जो भी शासनादेश उसके क्रम में, उसको आप वहीं पर करके 3-3.5 घंटे में निस्तारित करते हैं। 2.5 से 3 घंटा लगता है एक राउंड में, जिसमें आप 2 कर सकते हैं कि आप राउंड द क्लॉक रन कर रहे हैं, 16 टेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, पर ये 2-3 दिन इसमें लगेगा, इसको रैंप अप करने की जरूरत है। जहाँ तक बीआरडी की टेस्टिंग एबिलिटी की बात है, हमने इनको टारगेट प्रिंसिपल साहब हैं, हमने इनको टारगेट 800 कर दिया है। आपके पास 3 प्रिंसिपल साहब आरटीपीसीआर मशीन है, 5 ट्रूनेट मशीन है, सो बताइए इसको आप कितना कर पाएंगे। और इसमें बिकॉज डीएम्स यदि अभी हम चारों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कम से कम 2,000 टेस्ट सैंपल आपके यहाँ पेंडिंग है, और कुछ आपके सैंपल को लेके बीच में वो भी आप बताएं। 800 किया है टारगेट दिया है, 500 टेस्ट कर रहे हैं बाद में ऐसा, उसमें पूरा डाटा नहीं भरा था, कभी मरीज का नाम नहीं फिक्स है, मोबाइल नंबर नहीं, तारीख नंबर नहीं, तो ये चीज़ें हैं। कुछ ऐसा है कि क्योंकि जो प्रायोरिटी के पेशेंट होंगे वो वहीं कर रहे हैं,
इसका लिमिटेशन ये है कि पोर्टल पर एंट्री है उसके हिसाब से, बट इट इज इंडिकेटेड।